हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश के कई हिस्सों में धार से हाहाकार मच चुका है, मगर बाढ़ की सबसे भयावह स्थिति बिहार में है, जहां पर कई जिलों में बाढ़ का कहर है। रेल हो, रोड हो, मकान हो, सब पानी से घिर गए हैं। यहां जिंदगी लहरों से जूझ रही है। कोसी नदी उफान पर है और उसके बांध के नीचे से रिस रहे पानी ने कई गांवों को जलमग्न कर दिया। दस जिलों की तस्वीर आपके सामने है। सीतामढ़ी, कटिहार, मुजफ्फरपुर, शिवहर, बगहा, सगौली, सुपौल, रक्सौल, बेतिया और वाल्मीकि नगर, जहां पर बाढ़ के पानी ने कहर ढाया हुआ है। आपको बाढ़ से मचे हाहाकार की खबर विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कैसे अचानक आई बाढ़ से तीन महिलाओं की जान आफत में फंस गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सैलाब से घिरी इन महिलाओं को बचाने के लिए बेहद मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। नदी के इस छोर पर बदहवास खड़ी ये महिलाएं जब इधर पहुंची थीं, तो इन्होंने सोचा भी नहीं था कि चंद पलों में वो मुसीबत में फंसने वाली हैं। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के छब्बे चक गांव की है। गांव के बीचों बीच बहती है उज नदी। ये महिलाएं नदी के इस पार रोजाना के काम के सिलसिले में आई थीं, तभी फ्लैश फ्लड से उज नदी में उफान आ गया। अब महिलाओं के सामने मुसीबत ये कि वो कैसे घर जाएं। किसी तरह गांव वालों को खबर मिली, फिर क्या था, गांव वाले दौड़ पड़े, पुलिस भी आई, राहत वाली टीम भी पहुंची, रस्सा, लाइफ जैकेट, ट्यूब, बचाव का सारा साजो सामान उज नदी के किनारे हाजिर था। और फिर शुरू हुआ महिलाओं का रेस्क्यू ऑपरेशन। गोताखोरों की टीम रस्सी लेकर इस छोर से उस छोर पहुंची, ताकि जब महिलाएं नदी पार करें तो पानी की तेज धार में उन्हें रस्सियों का सहारा मिल सके। नदी में पानी का तेज उफान देख सकते हैं, बगैर सहारे के इसे पार करना कतई आसान नहीं। चंद घंटे की कवायद रंग लाई, एक एक महिला को बाहर निकाल लिया गया। मैं सरपंच साहब से बात कर रहा था कि लोगों को यही अवेयर करें कि वो नदी के किनारे मत जाएं, क्योंकि बारिश का दौर है, आपको पता है अभी बरसात शुरू हो गई है, ऊपर बारिश होगी, रात को बारिश होगी, अचानक इसका जो नदी का पानी है वो बढ़ सकता है, तो उसके जानी माली नुकसान होने का खतरा रहता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आपको पता ही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो लफ्ज़ है वो ऐसा ही है कि उसमें मशक्कत तो होती है, लेकिन इसमें हमें कामयाबी मिली कि पुलिस, SDRF और जो लोकल पब्लिक है, सबने मिलके काम किया। महिलाएं जब इस पार पहुंची तो उनके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। मुश्किल है, अगर हम मर जाते तो हमारे घर वाले तो उधर ही आ जाते। हम डेली आते हैं इधर, स्कूल भी जाना पड़े तो सुबह सुबह इधर ही आना, अगर पीछे पानी आ गया तो हमारा एग्जाम तो उधर ही रह गया, हम इधर ही रह गए पार ही। कितने वर्षों से आप आ रहे हो? मेरे 22 साल उम्र हो गई, मैं 22 साल से इधर ही आ रही हूँ। किसी ने इतने मेंबर सरपंच बने भी, बन के चले भी गए, किसी ने हमें फ्लैश नहीं दिलवाई। हमारी बस सरकार से यही मांग है कि हमारे हर घर में फ्लैश होनी चाहिए। गांव के सरपंच का कहना है कि बरसात के मौसम में ग्रामीणों से बार बार उज दरिया के उस पार जाने से मना किया गया था, लेकिन फिर भी लोग इसे नहीं मानते हैं और फ्लैश फ्लड से जान पर खतरा बन जाता है। बोलकर रखा है कि आप दरिया की तरफ मत जाएं, क्योंकि कभी भी पानी आ सकता है, क्योंकि उज रिवर एक ऐसा दरिया है जिसको हम धोखेबाज, डोगरी में धोखेबाज कहते हैं, कभी भी पानी आ सकता है। और पर फिर भी लोगों को बोलने के बावजूद भी कुछ लोग लकड़ी चुनने के लिए, अपनी जरूरत के लिए चले जाते हैं। बहरहाल अंत भला तो सब भला, फ्लैश फ्लड में फंसी महिलाओं की जान बच गई। सुदर्शन भार्गव, कठुआ, आज तक। तो आपने देखा किस तरीके से